यस थैंक यू। तो ठीक है, हमने ना अभी ट्रैफिक डेटा सेट अभी हमारे बकेट में डाल दिया है, सोर्स डेटा में, जो हमारी इनपुट डेटा का फोल्डर है। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज विल क्रॉल दिस डेटा सेट टू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड जो भी कल चीजें हुई है, विल गो थ्रू दैट वंस। इसके बाद हम लोग ना एक डेटाबेस क्रॉल करेंगे, मतलब एक फाइल क्रॉल करेंगे जिसमें हम लोग कस्टम क्लासिफायर लगाएंगे और एक पार्टीशन फाइल क्रॉल करेंगे, सो दैट थोड़े से बेसिस कवर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हम लोग दो तीन डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं क्रॉलर का, सो दैट यू विल गेट फैमिलियर टू सर्टन ऑप्शंस। ठीक है, लेकिन आपको ना खुद के एंड से भी करना पड़ेगा तो भी आपको आएगी चीज। व्हाट वाज दिस ट्रैफिक ट्रैफिक क्रॉल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एड सोर्स, अभी मुझे गाइड करना चीजों पे। क्या ऑप्शन का क्या मीनिंग होता है, आई वॉन्ट टू नो। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या सिलेक्ट करना है अभी, कोई बता सकता है? ये सबसिक्वेंट क्रॉल रन्स के बारे में कोई समझा सकता है क्लास को? बोलो, कोई भी बोले सर यार। मतलब फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पूरा क्रॉल होगा, बट सेकंड हाँ टाइम जब अपन क्रॉल करेंगे तो मतलब पूरे फाइल को क्रॉल करना है या सिर्फ न्यू फाइल को क्रॉल करना है, या फिर लास्ट वाला जो ऑप्शन है बेस्ड ऑन इवेंट्स, वो यस। रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, बट ठीक है, वो दो हाँ ऑप्शन वही है। ठीक है। बेस्ड ऑन इवेंट्स मतलब कैसे होता है कि आपकी अगर S3 पुट, S3 गेट, ऐसे कोई इवेंट्स है, S3 पुट, नई फाइल आ गई है समझो, नया पार्टीशन ऐड हुआ है समझो, तो यू क्रिएट अ यू एड इट, मतलब उसका ना एक ट्रिगर SQS में क्रिएट करते हो आप। ठीक है, तो आपको अभी के लिए वो जानने की जरूरत नहीं है। क्यू सर्विस में जब ऐड होता है ना, तो अगर वो क्यू सर्विस में एडेड है तो ये क्रॉलर इनिशिएट होता है। ठीक है, मतलब सॉर्ट ऑफ जब लैम्बडा पढ़ेंगे ना हम लोग, S3 पुट का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे उसमें, कि इफ यू अपलोड अ फाइल इन योर S3 बकेट, इट एक्ट्स एज अ ट्रिगर फॉर अ लैम्बडा फंक्शन, मतलब नॉट फॉर अ लैम्बडा फंक्शन बट फॉर सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लाइक ग्लू जॉब। ठीक है, तो लैम्बडा फंक्शन हम लोग यूज करते हैं फॉर सच टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, कि ऐसे S3 पुट के लिए एक लैम्बडा फंक्शन लिखते हैं सो दैट इट विल ट्रिगर सर्टेन ग्लू जॉब फॉर दैट फाइल। तो ऐसे टाइप में ही ये SQS का भी वैसे ही है, तो वो सिंपल क्यू सर्विस में जाता है और उसके बाद इवेंट्स ट्रिगर होते हैं, लाइक ये क्रॉलर ट्रिगर होता है। ठीक है, तो अभी के लिए वो छोड़ दो, हमें SQS वगैरह इतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सर्विस, तो हम उसमें जाएंगे नहीं। तो पहले दो ऑप्शन भी अगर आपको अच्छे से पता है, दैट दैट विल डू। ठीक है, ये एक्सक्लूड फाइल्स मैचिंग पैटर्न किसी को पता है? हमने कल यस बात सर, की थी वही इसकी। मतलब कि अगर कॉमा सेपरेटेड फाइल है एक ही फोल्डर में और दूसरी पार्किट भी है, तो सिर्फ अगर हमें सिर्फ CSV वाला एक्सेस करना है तो पार्किट का यहाँ पर पैटर्न देके उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो वो यस, एक्सेस नहीं करेगा फिर, ओके, ठीक है। आई और मीन कोई? अपलोड नहीं होगा वो। यस यस, इट विल गेट एक्सक्लूडेड। ठीक है, और कोई? अभी बताया उन्होंने, लेकिन अभी मुझे और किसी से सुनना है ये चीज, मतलब जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना उससे बताओ। ठीक है, नॉट एन इशू। स्पेसिफिक ओ पैटर्न की फाइल को एक्सक्लूड करने के लिए यूज करते हैं, मतलब सॉरी, वही वही जो दादा साहब ने बोला वही है मेरा भी ओपिनियन, कि अगर हाँ स्पेसिफिक फाइल पैटर्न स्पेसिफिक फाइल अगर हमको एक्सक्लूड करनी है फॉर्मेट यस, की, स्पेसिफिक फॉर्मेट की, तो यूज करते हैं ये वाला। ओके। नॉट जस्ट फॉर्मेट, आप अगर कोई नेम भी एक्सक्लूड करना है, कैसे होता है ना, आपने रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह देखा है? रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं, मतलब आपने फाइल मैनेजमेंट देखा होगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी सब डायरेक्टरी में या फिर सब फोल्डर में सारी चीजें क्रॉल करना है तो स्टार डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर समझो सारी चीजें क्रॉल नहीं करनी है तो सिर्फ एक टाइप की फाइल करनी है तो
स्टार डॉट सी एस वी डाल देते हैं, या फिर स्टार डॉट पार्के डाल देते हैं, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर नेम के बाद, मतलब समझो फाइल स्टार्टिंग विथ एबीसी सिर्फ लेनी है, तो क्या डालोगे उसमें, व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न यू विल ऐड। अगर समझो ये हमारा एक सब फोल्डर है कस्टमर डेटाबेस, ठीक है, ठीक है, उसमें ना जिसका स्टार्ट सी यू एस टी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जिस फाइल का नेम सी यू एस टी से स्टार्ट हो रहा है, ये फाइल समझ लो इसको, उसी को हमें रीड करना है, सीयूएसटी अदरवाइज स्टार्ट पैटर्न लाइक देख के करना पड़ेगा वो वैसे स्टार यस। हाँ, बोलो और। डॉट सीएसवी सॉरी, सीयूएस स्टार सीयूएसटी, डॉट सीएसवी लाइक यस दैट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब जिन चीजों को आपको एक्सप्लिसिटली चाहिए, आपको अगर वो देनी है तो आप वैसे करोगे, राइट। तो एक्सक्लूड पैटर्न में सिर्फ एक्सक्लूड किन चीजों को करना है उसका पैटर्न देना है, ठीक है, वही है। तो पैटर्न डिपेंड्स ऑन व्हाट यू गिव, ठीक है, नॉट जस्ट फाइल टाइप। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, कि अगर सीएसवीज भी है, 10 CSV है मेरे कोई फोल्डर में, नॉट ऑल सीएसवी आई वांट टू क्रॉल, बट सीएसवी विद सर्टन स्टार्टिंग कैरेक्टर्स आई डोंट वांट, आई वांट टू एक्सक्लूड देम फ्रॉम क्रॉलिंग, सो ठीक है। अगर समझो एक 10 फाइल से ए बी सी डी ई एफ ऐसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, पहला लेटर वो है, आई वांट टू एक्सक्लूड फाइल ए टू फाइल सी, व्हाट आई कैन डू इज, मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट, ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ, लिस्ट ऑफ वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट, यस ठीक है। तो ए स्टार डॉट सी एस वी, बी स्टार डॉट सी एस वी, सी स्टार डॉट सी एस वी, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जनरली कोई भी फाइल मैनेजमेंट देखा होगा आपने, तो ऐसे करते हैं हम, सिर्फ यहाँ पे वहां पे सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड करने के लिए, राइट। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। ओके, ठीक है, तो एक्सक्लूड पैटर्न तो क्लियर है, आई आई एम होपिंग दैट। डेटा सोर्स तो ऐड कर लिया हमने, अब भी कस्टम क्लासिफायर नहीं देखते, इसके बाद वाला जो डेमो है ना, कस्टमर्स करके एक फाइल है जो पार्टीशन है, तो मतलब डेटा लोड के हिसाब से पार्टीशन है, उसके इस केस में हम लोग कस्टम क्लासिफायर करेंगे, ठीक। आई एम रोल विल यूज दिस रोल, लेट्स मूव अहेड, टारगेट डेटाबेस कोई भी, तो एग्जिस्टिंग यूज करना है क्या, लेट्स मेक न्यू वन, ट्रैफिक डीबी, ठीक है, ये डेटाबेस हैज बीन एडेड, रिफ्रेश दिस ईयर, चूज दिस वन, या हियर इट इज, ठीक है। अभी इसको ना हम लोग इस बार देखते हैं प्रीफिक्स ऐड करके, ट्रैफिक अंडरस्कोर ऐसा प्रीफिक्स ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कि इस मतलब जो भी टेबल नेम्स आएंगे उसमें ट्रैफिक अंडरस्कोर का प्रीफिक्स आता है या नहीं, ठीक है। ये तो ऑप्शन समझ में आया ना सबको, टेबल नेम प्रीफिक्स। यस एक बात बताओ मुझे, चलो मेरा डाउट है, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कौन सा पाथ दिया है यहाँ पे, कस्टमर्स ने ना, ट्रैफिक का दिया है ना, हाँ, ट्रैफिक डेटा सेट में हमने इसके ऊपर का पाथ दिया था, राइट, यहाँ तक का पाथ दिया था, ट्रैफिक डेटा सेट मतलब क्रॉल कहाँ से होंगी ये चीजें, यहाँ से, राइट। अभी टेबल के नाम क्या रहेंगे इस केस में, अगर समझो मेरे फोल्डर का नाम अपेंडेड विथ वन है, ये फाइल का नाम नोट्स है, तो मेरे फोल्डर का नाम नोट्स वन है सब, ठीक है, तो फोल्डर को फाइल का नाम देता है, दिया जाता है, या फिर ये सब फोल्डर का दिया जाता है, बताओ मुझे, फोल्डर का दिया जाता है। का, यस एग्जैक्टली, जो आप चीज पॉइंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ योर क्रॉलिंग है ना, वहीं से आपको नाम पिक किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अगर यहाँ पे ओके,
यहाँ पे हमने अगर टेबल नेम प्रीफिक्स दिया है तो आपके टेबल के नाम क्या होंगे फिर? ट्रैफिक नोड्स, ट्रैफिक ट्रैफिक नोड्स, सेगमेंट्स, ट्रैफिक अंडरस्कोर नोड, ट्रैफिक यस राइट, वही है सर, मतलब सिंपल मीनिंग है उसका, एज सच कुछ उसमें है नहीं। ठीक है चलो, तो वो कर दिया हमने। क्रॉलर शेड्यूल, शेड्यूल करना है क्या कोई कस्टम? क्योंकि हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे, इतना ही है, उतना वेट तो नहीं कर पाएंगे। 2 मिनट के बाद का शेड्यूल करना है क्या? कि आप लोग ये फिगर आउट कर पा रहे हो क्या कस्टम करके? आप खुद कर पाओगे ये चीज? यस सर, हाँ कर यस लोगे ना? मतलब आपको क्रॉन एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो कर सकते हम लोग यार। 25th मिनट ऑफ एवरी आर, चलो 11th यूटीसी है यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो एवरी आर रख देते हैं ना, डे ऑफ द मंथ, एवरी डे ऑफ द मंथ, ऑल मंथ्स, ऑल ईयर, ठीक है, एट 25 पास्ट द आवर। यूटी से मतलब 5 एंड हाफ आवर ना? ओके सर अभी ऐसा 15-20 मिनट के बाद का दे सकते हैं क्या? मतलब हम तब देख भी पाएंगे, फिर ऐसा कर सकते हैं क्या? 15-20 मिनट के बाद देख सकते हैं, लेकिन वही वही सोच रहा हूँ, ये टाइम ना यूटीसी में देना है। अह तो वही देख रहा हूँ ना, 5 एंड हाफ आवर्स हम लोग आ गए हैं ना जीएमटी से। अह क्या उसका 6 AM बता दीजिए, क्या बोलूँ, क्या सिक्स करूँ? एम 6 AM, 11:30 will be 6 AM. 6 AM राइट? ओके ओके, तो Yes. हम लोग ये कर सकते हैं क्या, 0th आर करते इसको फिर, मतलब 6 मिनट के बाद वो ट्रिगर होगा ना, Yes. मतलब 6 मिनट्स टू 6 है राइट, अभी बचे Right. यूटीसी के 6 बजने के लिए। हाँ ठीक है, तो इसको 0 ही करते हैं, कस्टम देना है ना? ठीक, चलो चलो, दे दिया हमने ये शेड्यूल। नेक्स्ट, ओके सारी चीजें दे दी हमने। चलो क्रिएट अ प्रॉम्प्ट, बस देखना पड़ेगा यार 6 मिनट। चलो दूसरी दूसरा दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते उस टाइम तक, आप याद दिलाओगे 5 मिनट बाद शुरू हुआ या नहीं देखने के लिए? ठीक ये सर है सर, है चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज करते हैं। सर अभी यहाँ से डायरेक्ट रन नहीं होगा, मतलब ऊपर था रन क्रॉलर? होगा ना, रन होगा, ऑन डिमांड भी रन होगा, क्या उसका कुछ इश्यू नहीं है, ऑन डिमांड तो हो ही सकता है। ओके, अगर नहीं करेगी तो फिर 11:30 बजे करेगी, हाँ अगर नहीं करेगी तो फिर 11:30 बजे फिर वो रन करेगा अपने आप। यस यस यस, वो शेड्यूल के हिसाब से रन करेगा, शेड्यूल के हिसाब से तो करेगा। आप अगर उसको डिसेबल नहीं करोगे ना, वो शेड्यूल के हिसाब से करते ही रहेगा। अगर आप कोई क्रॉलर शेड्यूल के हिसाब से बना रहे हो ना, यू शुड डीप्रोविजन इट, मतलब उसको आइदर डिलीट कर दो, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वो कंटिन्यूअसली रनिंग रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो शेड्यूल के हिसाब से रन करते रहेगा। हम लोग, मैंने बाकी की क्रॉलर्स डिलीट क्यों नहीं किए, क्योंकि हम लोग उसको ऑन डिमांड कर रहे हैं राइट। जब तक आप खुद से रन नहीं करोगे तब तक वो रन नहीं होगा, लेकिन अगर आपने शेड्यूल प्रोवाइड किया है उसको, एज यू कैन सी इट हियर, इट इज शेड्यूल्ड, अगर आप भूल गए इसको डिलीट करना या फिर इज देर एनी ऑप्शन, अदर ऑप्शन, नहीं डिलीट ही है फिर, ठीक है, तो डिलीट करना भूल गए ना, तो वो हर घंटे के पहले मिनट पे वो रन होते रहेगा, दिन भर रात भर चलेगा, ठीक है, तो आपको बिल भी आएगा। तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट कि अगर कोई शेड्यूल बेस्ड चीजें कर रहे हो ना, उसको डिलीट कर दो। समझ में आया ये चीज? यस नहीं समझ में आया क्या मैं क्या बोलूँ, यस सर, यस सर, यस है ना? यस 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 अभी तो सर, उतना याद रखना, क्योंकि आपको बिल आएगा यार, मतलब आपके क्रेडिट्स जो भी यूज कर रहे हो, फ्री क्रेडिट्स मिले, व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट इट, ठीक है, क्योंकि मतलब देखो, शेड्यूल बेस्ड करो, ऑन डिमांड करो, एज सच कुछ डिफरेंस है नहीं। ओके, देर आर ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट, तो लेट्स सी,
2 मिनट वेट ही कर लेते। बताओ कोई इश्यूज वगैरह होंगे आपके, पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, टाइम नहीं मिल रहा है किसी को। मैं आज अच्छे से जेन्युइनली पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को कोई दिक्कत है ना कि टाइम नहीं मिलता है, आप मतलब कैसे टाइम निकालना है, या फिर वो उस पे ना सच में अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि ना 2 घंटे में कैसे पढ़ना है ये भी मैं बता सकता हूँ आपको। मतलब ऑफ कोर्स यू विल नॉट गो टू दैट डेप्थ, जो 12 घंटे पढ़ रहा है वो तो बहुत सारी चीजें कवर करेगा, लेकिन जो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अभी, दे आर नॉट एबल टू मेक टाइम, लेक्चर के लिए ही टाइम निकाल लिया बहुत है, तो उन लोगों को ना 2 घंटे में कैसे पढ़ना है, एटलीस्ट ट्राई टू कंप्लीट सर्टेन थिंग्स दैट हैव बीन टॉट इन द क्लास, वो कैसे करना है मैं ना पर्सनली बता सकता हूँ। ठीक है, पर्सनली मतलब क्लास में ही बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस बताओ मुझे कि क्या दिक्कत आ रही। क्योंकि अगर कुछ आपको टाइम से इशू हो रहा है ना, तो मैं तो कोई सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आई टेल यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू ट्राई इट आउट, मैं उतना कर सकता हूँ, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता हूँ यार, टाइम तो निकाल के नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट डायरेक्शन। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अभी 1 ही मिनट है, लेट्स वेट फॉर दैट। अर्ली अरे यार, हमने इन शेड्यूल तो करके रख दिया ना, क्रॉलर रन ही नहीं किया। एक सेकेंड, ये मैनुअल रन हो गए, तो मैनुअल रन हो गए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। शेड्यूल के हिसाब से क्यों नहीं हुआ यार? देखते हैं। ब्लू कॉरल क्रॉलर नो एबल रन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल प्रोवाइडेड। ओके, आई एम बोल, नो नो, सेम ही तो इससे हम लोगों ने बाकी चीजें की, तो आई एम रूल का इशू नहीं है, तो देख सकते हैं हम। कॉलर शेड्यूल फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग डिपेंडेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर प्रॉब्लम। यस, डेटा सोर्स अवेलेबिलिटी, यस इट इज अवेलेबल। हम लोगों ने
ये सारी चीजें तो हमारी करेक्ट ही है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं हो। डज इट टेक टाइम टू इनिशिएट और समथिंग लाइक दैट? आई डोंट नो। आर्ली डाला था हमने, एडिट कर दो। सर मैंने सेव किया था अभी, तो अभी रन हुआ मेरा ऑटोमेटिकली। टाइम लगा क्या उसको? हाँ, सो अराउंड 3rd मिनट इट स्टार्टिंग। 3rd मिनट में स्टार्ट हुआ। ओके ओके ओके। आई थिंक वो बैचेस में स्टार्ट होता है, मतलब एग्जैक्टली टाइमिंग पे स्टार्ट नहीं होता है, वो उनके बैचेस रन होते होंगे बैकग्राउंड में AWS के तो लॉग चेक सारे। करना पड़ेगा, उसमें समझ में आएगा। हाँ, सो आपको लॉग में आपने 6 बजे, ओके, हाँ 6 बजे किया था तो 6:03 को शुरू हुआ क्या वो? राइट ओके ओके ठीक है, चलो देखते हैं क्या था हमारे क्रॉल का नाम। ट्रैफिक क्रॉल, ओके। हमारा मैनुअल रन तो हो गया ही है। कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे जिससे हमें समझ में आता है ये शेड्यूल्ड रन है या मैनुअल? ऐसा तो है नहीं कोई ऑप्शन मेरे ख्याल से। लॉग्स नहीं, में मिलेगा उसका ऑप्शन। लेट्स सी, हमने लॉग्स इसके लिए कॉन्फ़िगर किए थे क्या? ठीक है, चलो क्लाउड वॉच में जाके देखते हैं। क्लाउड वॉच, तो क्लाउड वॉच एक सर्विस है जहाँ पे आप आपकी बाकी सर्विसेज में जो भी चीजें परफॉर्म कर रहे हो उसके लॉग्स देख सकते हो। लॉग ग्रुप कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो क्या नाम था हमारा, ये नाम था क्या? ट्रैफिक डेटा सेट क्रॉलर, यही है ना? ट्रैफिक क्रॉल था। ओके, ट्रैफिक क्रॉल था सर। अभी जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जैसे हमारा शेड्यूल पे स्टार्ट नहीं हुआ था ना, तो उसका क्या इश्यू है वो हम लोग देख रहे हैं लॉग्स में। तो क्लाउड वॉच इज अ सर्विस इन AWS जहाँ पे आप ना आपके सारे बाकी सर्विसेज की जो भी चीजें कर रहे हो उसके लॉग्स अगर देखने, आपको यू कैन सी इट इन क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप्स ऑप्शन। लॉग ग्रुप्स में आपने देखा होगा आई हैव चोजन वन लॉग ग्रुप, क्योंकि हम लोग क्रॉलर के बारे में देख रहे हैं, राइट? तो क्रॉलर में भी डिफरेंट ऑप्शन आए थे हम लोग को कि कौन से क्रॉलर क्रॉलर के लॉग्स देखने, तो आई हैव चोजन दिस ट्रैफिक क्रॉल। समझ में आया ना सब लोग को क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। ओके, 11:30, 32 ओल्डर इवेंट्स, 11:30 के बाद का दिखा रहे हैं ना, इसके पहले के तो लॉग्स ही नहीं है यार। रनिंग स्टार्ट पावरफुल क्रॉलर ट्रैफिक कंट्रोल, मतलब हमारा जब मैनुअल रन हमने स्टार्ट किया ना तब भी से लॉग्स आ रहे हैं। हम लोगों ने ना उसको टाइम ही नहीं दिया इनिशिएट होने को शायद, ठीक है, और मैन्युअली रन कर दिया, तो अब भी 1 घंटे का तो क्रॉल हो गया है, ठीक है। लेट सी नेक्स्ट आवर में, आप लोग एक बार खुद के एंड से ट्राई करके देखो टाइम के हिसाब से, तो अगर नहीं होता है तो आई विल प्रोवाइड योर सॉल्यूशन, ठीक है। आई थिंक अभी किसी ने बोला उनका हो रहा है, जस्ट यू नीड टू वेट फॉर 3-4 मिनट्स, राइट? किसने बोला था अभी? मैंने बोला था समृद्ध। हाँ जी, समृद्ध हो रहा है ना, आपका हुआ है ना ऑटोमेटिक शेड्यूल के हिसाब से?
हाँ शेड्यूल के हिसाब से हो गया ऑटोमेटिक ठीक है। और कैन उसके यू लॉग्स भी पड़ वॉच गए। योर लॉग्स ऑल्सो, मतलब कैन यू शेयर योर लॉग्स, हम लोगों को इनसाइट मिलेगा कि उसमें क्या लिख के आता है। आई विल स्टॉप शेयरिंग, यू ओपन क्लाउड वॉच एंड शेयर द स्क्रीन, ठीक है। विल ओके बी एबल टू सी कि लॉग्स में क्या डिफरेंट आता है। सेम ही आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक ट्रिगर हुआ है बस, यस ठीक है। मतलब देर इज, नो बट इट पर स्टार्टेड 11:31 ओनली। 11:31:07 है ना। यस ओके ठीक है, मतलब 1 मिनट लगता है उसको। हो सकता है यार, ये बहुत सारे इश्यूज है, पता है क्या, AWS में बहुत सारे इश्यूज है। मैंने ना मेरे अभी जो काम चल रहा है मेरा, जो पाइपलाइन पे, आपको बता सकता हूँ मैं कि इतने सारे मतलब लॉग्स रिलेटेड इतने सारे इश्यूज है अपडेशन के, ये चीजों को बाजू में रख के एक स्टेप लॉग, जो भी स्टेप हम लोग सबमिट करते हैं ना AMR क्लस्टर में, उसके लॉग रिफ्लेक्ट होने में आधे से पौन घंटा लगता था पहले। मतलब देखो, एक लॉग्स अगर आपको कोई स्टेप रन किया है आपने, उसके लॉग्स देखने, तो इट इज टेकिंग ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स, ठीक है। तो बहुत टाइम लगती है बहुत सारी चीजों को। तो हम लोगों ने कुछ सॉल्यूशन फिर इम्प्लीमेंट किए, लाइक ऐप प्रेशर वगैरह किया था हमने, तो अब भी उसको 15 to 20 मिनट लगते हैं, उससे कम तो होगा नहीं, ऐसे AWS ने बोल दिया, ठीक है। तो है चीजें, मे बी ये कोई होगा उनका इश्यू होगा उनके एंड से। इफ यू आर क्यूरियस अबाउट इट, यू कैन रेज अ AWS सपोर्ट टिकट, आस्क देम अबाउट इट। जस्ट अगर टिकट रेज कर रहे हो ना कोई भी, तो जस्ट प्रोवाइड देम द स्क्रीनशॉट ऑफ स्टार्टिंग टाइम, दिस इज माई शेड्यूल एंड इट इज नॉट स्टार्टिंग एट दिस एग्जैक्ट टाइम, ये बोल सकते हो, ठीक है। इफ यू आर क्यूरियस इनफ यू कैन डू इट, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। तो यू कैन रेज AWS सपोर्ट टिकट, दे हेल्प यू आउट इन वेरी नाइस मैनर, एटलीस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट दे डू हेल्प यू आउट इन वेरी डिटेल्ड मैनर, और वो बहुत सारे रेफरेंसेस या फिर स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं। नॉट श्योर अबाउट पर्सनल अकाउंट्स, उसमें मैंने एक दो रेस किए थे, थोड़ी तो हेल्प करते ही है वो, कॉल पे भी करते हैं और या फिर टिकट में भी चीजें ऐड करते हैं। तो इफ यू वांट टू डू दैट, जस्ट रेज अ टिकट, ठीक है। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ बाकी लोगों को? जोन्ड आउट नहीं हो ना बाकी लोग, ये ठीक है ना। हाँ चलो, समृद्ध अनशेयर करो स्क्रीन, लॉक्स तो सेम ही है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शेयर माय स्क्रीन। ओके थैंक यू। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, तो ये क्रॉल तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो कल कुछ कुछ लोगों को डाउट थे, मतलब मुझे जिन्होंने बाद में कांटेक्ट किया, तो कुछ मेरे दोस्त भी है क्लास में, तो उनको ऐसे डाउट था कि क्रॉलर के रिजल्ट कहाँ पे देखना है, ठीक है। कोई बता सकता है मुझे कि क्रॉलर का रिजल्ट हमें कहाँ पे देखना है? वो डेट टारगेट डेट टेबल, डेटा बोलो बोलो, अथीना में, अनम्यूट। हाँ अथीना में डेटा अथेना में भी देख सकते हैं, और यही पे कहीं पे देख सकते हैं हम लोग, डेटाबेस जो टेबल्स है एग्जैक्टली एग्जैक्टली डेटाबेस में। राइट। मतलब आप यस क्रॉलर क्रॉल कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, यू वांट टू क्रिएट सर्टेन टेबल्स एंड यू आर प्रोवाइडिंग अ टारगेट डेटाबेस इन द क्रॉलर इटसेल्फ। तो आपके जो भी टेबल ऐड होंगे वो टारगेट डेटाबेस में होंगे। तो हम लोग अभी वो डेटाबेस को देखेंगे कि हमारा डेटाबेस कौन सा था, ट्रैफिक डीबी, आर वी एबल टू सी दोस टेबल्स और नॉट, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो क्लियर है, मतलब शायद किसी को कंफ्यूजन हो सकती है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, दैट्स नॉट एन इश्यू। देखो, हमने प्रीफिक्स दिया था ट्रैफिक अंडरस्कोर, तो सारे टेबल के नाम ट्रैफिक अंडरस्कोर से ही आए, ठीक है। तो दीज आर द 5 टेबल दैट हैव बीन क्रिएटेड। इफ यू वॉन्ट टू क्वेरी यूज इन अथेना, वी कैन डू दैट, राइट? नॉट नॉट अ बिग थिंग,
सबको समझ में आया है कल की चीजें कि क्या वी कैन क्वेरी इट इन अथेना ऑल्सो, राइट? एक बार करके देखते हैं क्या? चलो, इट विल नॉट टेक मच टाइम, करके देख लेते हैं। देखो, जिनको भी अभी कल की चीजें फास्ट लगी हो, नहीं समझ में आई हो, उनके लिए है अभी, ठीक है? बहुत लोगों को तो अभी पता ही है चीजें। तो हमने जो ये डेटाबेस में ये टेबल क्रॉल की है, वी आर क्वेरिंग दोस टेबल इन अथेना। तो ये डेटा सोर्स है AWS डेटा कैटलॉग। इन दैट डेटाबेस वी आर चूजिंग ट्रैफिक डीबी विच वॉज इन आर क्रॉलर। इसके बाद इसमें आपको आपके टेबल्स दिखेंगे, जो भी टेबल्स है, ठीक है? देर आर फाइव टेबल्स दैट हैव बीन क्रिएटेड। तो इफ यू वॉन्ट टू क्वेरी ऑन दोज टेबल्स, यू कैन डू दैट। तो हम लोग इसको प्रिव्यू करके देखते हैं। पहले देखो, आ रहे डेटा, तो अभी आप इसमें जो भी आपका लॉजिक लगाना है वो लगा सकते हो। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस टेबल, आपको पता है ये डेटा सेट आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि आपने इस पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है? तो यू कैन टेल मी व्हाट कैन बी अ ज्वाइन कंडीशन इस पे, ऐसे? या फिर और कुछ कर सकते हैं क्या? और कोई ट्रांसफॉर्म वगैरह लिख सकते हैं क्या इसमें? वेलोसिटी का भी है सर, या फिर डिस्टेंस कवर्ड ऐसा भी है ट्रेन में, अच्छा, कहाँ पे है? ट्रेन के इसमें है सर। ओके, प्रीव्यू टेबल, लेंथ का है सर वो। हाँ, लेंथ, ओके, दिन, दिस इज इन किलोमीटर्स, ओके, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो कैसे करनी है आपको पता ही है, एसक्यूएल आता है आपको, ठीक है? या फिर आपको इन्हीं डेटा सेट को यूज करके अगर स्पार्क में कुछ ट्रांसफॉर्म करने हैं तो कैन यू डू दैट? चलो, ये आपका असाइनमेंट है। नोटबुक एडिटर में वर्क ग्रुप क्रिएट करके विल यू बी एबल टू एक्सेस ब्लू कैटलॉग? हम लोग को ये देखना है एक बार। आप कर लोगे क्या ये खुद से ट्राई? अगर नहीं होता है तो कल हम देखेंगे, चलेगा? यस सर यस। ठीक है। आई ऑल्सो डोंट नाउ पॉसिबल है, ठीक है? तो मैंने, क्योंकि ये नोटबुक एडिटर बहुत रिसेंटली एडेड है अथेना में। अथेना वॉज नॉट अ स्पार्क क्वेरी इंजिन इसेंशियली, मेजरली सिक्वल क्वेरी इंजिन ही था अब तक। तो अभी उन्होंने स्पार्क भी डाला है, आई डोंट नो वाई, बिकॉज देर आर मल्टीपल सर्विसेज लाइक ग्लू दैट प्रोवाइड द सेम टाइप ऑफ थिंग, ठीक है? और क्या था? हाँ, तो फिर बाद में था हमारा ETL जॉब, राइट? ETL जॉब हमने विजुअल जॉब क्रिएट किया था। डू वी नीड टू क्रिएट वन मोर जॉब? हम लोग नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जो पार्टीशन डेटा है उस पे करते हैं, ठीक है? आपको क्रॉलर समझ में आ रहा है? इफ यू वांट मी टू क्रिएट द जॉब आल्सो आई कैन डू दैट, अगर कल कंफ्यूजन हुई होगी, ठीक है? चलो, कर लेते हैं अभी के लिए, फटाफट करेंगे हम लोग, अभी इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। पहली चीजें हुई है तो विल एड वन ट्रांसफॉर्म। व्हाट ट्रांसफॉर्म? वी कैन एड अ सिक्वल क्वेरी। चलो, कल हमने चेंज स्कीमा किया था, सिक्वल क्वेरी करते हैं। इसके पेरेंट्स चेंज करते हैं पहले, तो डेटा कैटलॉग पेरेंट्स बनाते हैं, क्या सिक्वल क्वेरी रख दो, व्हाट क्वेरी यू वांट, कौन से टेबल पे करना है उस पर डिपेंड करेगा, राइट? इसको इसका पेरेंट बना देते हैं पहले, ठीक है? एटलीस्ट दिस थिंग इज क्लियर नाउ। वेरी रिजल्ट वी कैन से। समझ में आ रही है चीजें अभी? एटलीस्ट विल, या राइट, यस ठीक है? तो पहले तो हम लोग सोर्स से स्टार्ट करते हैं, और देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। तो विल चूज अ डेटाबेस, कौन सा था हमारा? ट्रैफिक डीबी। उसमें से कोई एक टेबल चूज करेंगे अभी, कौन सा करना है आप ही बता दो, आप पता है डेटा सेट के बारे में। ट्रेन ट्रेन करना है क्या?
सर उसमें कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, तो कोई रन टाइम पैरामीटर होगा नहीं, वी डोंट वांट दैट। तो इसका आउटपुट स्कीमा ऐसे रहेगा शायद। यस, इसका आउटपुट स्कीमा देख लेते हैं। आईडी, सेगमेंट आईडी, डेट, पीरियड। ये क्या है, एलओएस क्या है? ओके, एस नोड आईडी, ई नोड आईडी, लेंथ, स्ट्रीट आईडी। कुछ क्वेरी कर सकते हैं इस पे। अगर आपको जॉइंस लगाने हैं ना, तो ये जॉइन ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। जॉइन ऑप्शन है वेयर यू कैन गिव मल्टीपल सोर्सेस। यहाँ पे देखो, आपको ना इसमें एक दिक्कत आती है, यू कैन नॉट ऐड मल्टीपल टेबल्स। डेटाबेस में एक ही टेबल ऐड कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज वेदर यू कैन डू दिस वे, एडिंग वन मोर सोर्स, इट्स टाइट। So this thing graphically fits street ID। Let's see, यहाँ पे street ID है ना। हाँ street ID है यहाँ पे, तो joining key है हमारे पास। Can we add one more parent? उसका नाम दे देते यार, अच्छा नहीं लगता है। क्या नाम था इस ट्रेन ना, ट्रेन टेबल, और इसका नाम था स्ट्रीट राइट, स्ट्रीट टेबल। अरे बीच बीच में बोलते रहो बस। हाँ मुझे मतलब ये पता रहना चाहिए कि आपको सुनाई दे रहा है। एम आई ऑडिबल? यस यस सर। सिंपल क्वेरी में कैन यू ऐड वन मोर पैरेंट? यस यू कैन। ठीक, चलो। तो अब अभी हम लोगों ने क्या किया, ट्रेन टेबल और सीट टेबल लिया यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इसके दो पेरेंट्स है अभी, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी सिक्वल, हाँ इशू है, इसका नाम दे देते हैं ट्रेन टेबल ही दे देते, ट्रेन दे दो, यस जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अभी यहाँ पे हमें सिक्वल क्वेरी लिखनी है, ठीक है। तो ये जो सिक्वल एलियासेस है ना, ये यूज करने होते हैं आपको। तो हम लोग एक क्वेरी बताओ मुझे, कुछ भी बताओ। चलो स्टार ही कर देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम ट्रेन। सिर्फ ज्वाइन करना है क्या, कुछ और क्वेरी कर सकते हैं क्या बताओ? फिल्टर वगैरह कुछ, या फिर कोई पर्टिकुलर ट्रेन विद पर्टिकुलर, ये आपको डेटा सेट अच्छे से पता है राइट? अरे बोलो। वन पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर किया वैसा भी निकाल सकते हैं ऐसा कुछ। उसकी क्वेरी बताओ मुझे, मुझे क्योंकि डेटा सेट नहीं पता है ना, तो इसीलिए। वो पीरियड पे ग्रुप बाय करके फिर लेंथ वगैरह निकाल सकते हैं ऐसा। ओके, फिर कौन से टेबल पे क्वेरी करना है मुझे, ट्रेन पे? ट्रेन हाँ ओके, दो टेबल इन्वॉल्व नहीं है इसमें। नहीं, एक ही टेबल लगेगा फिर से तो इसको तो फिर एक को ड्रॉप तो, करना है क्या फिर? हाँ चलेगा। नहीं तो फिर कॉमन कॉमन कॉलम ही लगा सकते हैं फिर बाद में। स्ट्रीट आईडी होगा फिर सर वो, अगर ज्वाइन लगाना है तो। आप बोलो, आप बोलो, बाकी लोग बोलो क्या करना है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म क्या लगाना है, सिक्वल क्वेरी क्या डालनी है। ज्वाइन तो हम लोग ऐसे भी कर लेंगे। डू यू वॉन्ट टू परफॉर्म एनी अदर थिंग? बाकी लोग क्या हुआ, अनम्यूट करके बोलो। अरे नहीं पूछूंगा भाई सिक्वल क्वेरी, आप ही बताओ, ऐसे नहीं बोलूंगा, बोलो अभी, ठीक है। यार डर रहे हो क्या?
कि क्वेश्चन पूछ लेगा करके, ऐसे मत करो अक्षय। सर क्या मतलब क्या करना है बताओ, अभी ज्वाइन लगाना ज्वाइन है? ही कर ले, ज्वाइन, हाँ ज्वाइन ही कर लेते ना, अभी दो सेपरेट टेबल्स लिए तो। चलो, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो यार? अरे भाई, आदित्य क्या हुआ? नथिंग सर। ठीक है, बोला करो बोला करो, आप बोलते हो ना जनरली, हेलो जी, हेलो। बोला करो। हाँ यस हाँ सर, यूनियन वगैरह भी कर सकते हैं अपन, यूनियन कर, यूनियन का। यूनियन बहुत बकवास ऑपरेशन वैसे। ठीक है करो, यूनियन करते सब। फ्रॉम ट्रेन यूनियन, बताओ मुझे क्वेरी, मुझे नहीं आता ऐसी कॉल। सर ज्वाइन ही करते हो ज्वाइन करते हैं। स्ट्रीट हाँ स्ट्रीट सर, वाइज स्ट्रीट आईडी स्ट्रीट। वेट ज्वाइन करके ठीक है चलो, मैं लिंक वही से हम पूछ रहा हूँ, निकाल आप सकते बोल हैं। क्यों नहीं रहे हो? आई वॉज एक्सपेक्टिंग सर्टन रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू गाइस, अभी बोल रहे हो तो मैं करूंगा। ठीक है, कौन सा ज्वाइन करना है? इनमें क्रॉस ज्वाइन कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है, क्रॉस ज्वाइन कर लो। सर हेलो। तेरा हाँ बोलो। सर आपने ट्रेन और स्ट्रीट का टेबल लिया है ना, तो उस पे अपन स्ट्रीट वाइज एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। स्ट्रीट और मुझे क्वेरी बताओ, मुझे डेटा पता नहीं है, मुझे कॉलम्स पता नहीं है, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड मी क्वेरी, यू डिक्टेट मी, आई विल राइट इट। हाँ ठीक है, सिलेक्ट एस डॉट नेम, ठीक है, सिलेक्ट एड्स डॉट नेम, इसको अलाइज दे दो एस स्ट्रीट नेम, सॉरी, एज अलाइज दे दो सर एज स्ट्रीट नेम। ओके ठीक है, एज कॉमा यस कॉमा एवरेज एग्रीगेट एवरेज, फंक्शन में यहाँ पे यस एस हेलो, डॉट। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, बट सर हमने स्ट्रीट टेबल को स्ट्रीट एज अ एलियास दिया है, तो इंस्टेड ऑफ पीएस डॉट नेम वी हैव टू टेक इज अ इट एज अ स्ट्रीट डॉट नेम। हाँ तो एलियास हम लोग जब आगे लिखेंगे ना तो स्ट्रीट को एस लिख लेंगे ना। सर एक्चुअली मे बी ही इज स्पीकिंग नेम फ्रॉम द स्ट्रीट टेबल, सो इंस्टेड ऑफ पीएस हियर वी हैव टू राइट अ स्ट्रीट डॉट नेम। ओके No, but sir, as you मैं told, we आपके can नो provide व्हाट इज द as सिस्टम नेम इज एस डॉट नेम, we can आई कैन प्रोवाइड वन मोर एलियास टू provide एलियास ऑल्सो ना, yes yes इजंट दैट पॉसिबल? अभी yes किसने, sir इट्स possible है। पॉसिबल ना सर? नहीं उन्होंने बोला है, मतलब क्या मतलब उनको बोलना क्या था मुझे जानना है, और कुछ नहीं। इज दैट व्हाट Actually sir, I was thinking that street table you are giving SQL alias as a street. For street नहीं table you नहीं are giving alias as a आई कैन street. अंडरस्टैंड So योर कंफ्यूजन, आई हाँ कैन अंडरस्टैंड। ठीक है तो हम लोग इसको ट्राई yes करते हैं, yes sir इजीली समझ में आ जाएगा। वो okay क्या sir है ना, वो ग्लू के okay sir एलियासेस है, जब वो ग्लू के कैटलॉग से पिक कर रहा है ना, इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई वाइल यूजिंग योर सिक्वल क्वेरी, उसके लिए वो एलियासेस है ऊपर वाले, ये वाले मैं जो बोल रहा हूँ ये वाले ना okay के एलियासेस है, के हाँ अंदर आप एलियास जो दे रहे हो यू कैन डू दैट। ठीक है, ट्रेन को टी और स्ट्रीट को एस दे ओके दो। सर ठीक है लेट्स सी, नहीं होता है तो ओके सर आपका आपका सजेशन फॉलो करेंगे। ठीक है तो एवरेज बताओ बताओ, कौन बोल रहा था मुझे क्वेरी? टी हाँ सर टी डॉट वेलोसिटी या डॉट लेंथ ले लो वेलोसिटी, सर, हाँ लेंथ लेंथ ले लो, लेंथ वेलोसिटी नहीं उसमें। ओके, लेंथ, स्पेलिंग दिखा, स्पेलिंग बता दो मुझे, बराबर है यानी कॉलम नेम से मैचिंग है? हाँ सर बराबर, एज एवरेज लेंथ सर अलाइज सर। एज एवरेज एंड इट्स ओके, एवरेज लेंथ और फ्रॉम फ्रॉम स्ट्रीट एस ज्वाइन स्ट्रीट एस ज्वाइन ट्रेन्स टी जॉइन ट्रेन टी ऑन, सर, ट्रेन से सर वो एस क्या है ट्रेन ही है ना ये, देखो अच्छा ठीक है हाँ
सर इसको ज्वाइन कर रहे हैं अपन, हाँ एस डॉट इसके आई डी इज इक्वल टू टी ट्रेन आई डी। आईडी है क्या? हाँ यस सर, यार यस यहाँ डॉट आई पे डी इज इक्वल अंडरस्कोर टू, आईडी है ना कोच, हाँ एस अंडरस्कोर आई डी। एस डॉट अंडरस्कोर आईडी है ना? श्योर है? हाँ यस सर, यस सर, यस ऑन इक्वल टू टी डॉट टी डॉट स्ट्रीट आई डी, स्ट्रीट आईडी। स्ट्रीट अंडरस्कोर आईडी है क्या? हाँ यस सर, तो ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा, श्योर? हाँ ग्रुप बाय एस नेम करना पड़ेगा कहाँ पे लगाऊँ मुझे बताओ, मुझे नहीं आता हाँ। इसमें। इसके बाद, इसके बाद ही स्पेस देखें हाँ और एस नेम, एस डॉट नेम। एस डॉट नेम हो गया, बाकी लोग बताओ। वैलिड ए क्वेरी, ओके। आर यू एबल टू सी दिस क्वेरी? यस सर, यस सर, वैलिड है, कुछ भी इशू नहीं है इसमें। नहीं है राइट? आई डोंट नो एनीथिंग, आप बताओ मुझे। हाँ सर राइट है, ठीक है, तो आई एम टेकिंग योर वर्क वर्ड फॉर इट। ठीक है, हम लोग इसको डालते हैं टारगेट डेटा में। यहाँ पे यार एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते क्योंकि इसमें पहले कुछ डाली हुई है चीजें। क्रिएट अ फोल्डर, क्या था हमारा ये? ट्रैफिक, ट्रैफिक डीबी आउटपुट, ये चूज करते हैं हम लोग। ओके आई थिंक एवरीथिंग इज डन, और कुछ बचा है? कंप्रेशन टाइप चेंज करना है क्या? फाइल फॉर्मेट ठीक है ना जनरली? और ना एक, हाँ अभी और एक चीज याद आई है, बता देता हूँ मैं। आप ना क्रॉलिंग वगैरह ना जेसन का भी एक बार करके देखो, या फिर हम लोग कल ले सकते हैं, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है। और ना पार्के को भी रीड करना, या फिर पार्के को, पार्के के साथ भी ना थोड़े से एक्सपेरिमेंट करके देखते जाओ। इन फ्यूचर ऑल्सो व्हेन वी परफॉर्म ईटीएल नो विल ट्राई टू कवर पार्के ऑल्सो, बट समटाइम्स वी विल मिस आउट, क्योंकि सी एस वी सिंपल है, तो पहले सी एस वी को इंट्रोड्यूस करना थोड़ा इजियर जाता है, क्योंकि जब भी देखना है हमें फाइल तो यू 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 हैव दैट क्लैरिटी की सी एस वी फाइल है, ऐसा ऐसा है, देख सकते हो रिकॉर्ड्स वगैरह। ठीक है, पार्के में आप ओपन करके देख नहीं सकते, वो दिक्कत है, आपको रीडिट है डेटा फ्रेम करना पड़ता है ऐसे वैसे। तो हम लोग सी एस वी के साथ मोस्ट ऑफ दी चीजें करेंगे, लेकिन विल कवर पार्के इन सर्टेन डेमोन्स्ट्रेशन ऑल्सो। ठीक है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जब परफॉर्म कर रहे हो ना, मैंने सी एस के साथ किया, तो आप पार्के के साथ करके देखो, समझ में आ रहा है? तो ट्राई टू ब्रिंग सम वेरिएशन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, तो उससे आपका एटलीस्ट ज्यादा चीजें कवर होगी। ठीक है, डू यू वॉन्ट टू एड एनी पार्टीशन और समथिंग लाइक दैट? नो राइट? कोई चीज से पार्टीशन करना है क्या उसको? ठीक है, चलो नहीं करते फिर। आई थिंक एवरीथिंग इज डन डन, इशू नहीं। चलो फिर, कैन वी सी द स्क्रिप्ट नाउ? यस, हैज एनीवन गॉन थ्रू स्क्रिप्ट? किसी ने समझने का ट्राई किया है कि इसको क्या है इसमें? ठीक है, इसमें ना बहुत सारी लाइब्रेरीज इंपोर्टेड है, जैसे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट तो हमें पता ही है, ग्लू कॉन्टेक्स्ट है। ग्लू कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक सॉर्ट ऑफ रैपर है, मतलब अभी
बेसिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे जब स्पार्क स्क्रिप्ट एडिटर में डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि ग्लू कॉन्टेक्स्ट वगैरह डिटेल में क्या है, ठीक है। तो ग्लू कॉन्टेक्स्ट एक सॉर्ट ऑफ ग्लू का रैपर है जस्ट फॉर एंटरिंग इनटू ग्लू फंक्शनैलिटी। तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग वही होता है, राइट। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग क्या है बताओ यार, बताओ, मैं रैंडमली पूछूंगा नहीं तो बताओ। इनिशिएशन ऑफ स्पार्क सेशन, एंट्री पॉइंट, यस, इट इज एन एंट्री पॉइंट। इट्स रिसोर्सेस कॉन्फ़िगरेशंस, यस यस, ठीक है। तो एनी कोई भी फंक्शनैलिटी का एंट्री पॉइंट है, मतलब स्पार्क कॉन्टेक्स्ट इज एन एंट्री पॉइंट इनटू स्पार्क एप्लीकेशन, ठीक है, सिंपल। तो ग्लू कॉन्टेक्स्ट भी वही है, इट इज सॉर्ट ऑफ अ रैपर व्हिच एक्ट्स एज अ एंट्री पॉइंट फॉर ग्लू ग्लू फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ग्लू कॉन्टेक्स्ट वैसा ही है, एंड दिस डायनामिक डेटा फ्रेम इज यूनिक टू ग्लू, ठीक है। तो इनका मतलब जैसा हमारा नॉर्मल स्पार्क का डेटा फ्रेम होता है, डायनामिक डेटा फ्रेम भी वैसी ही चीज है। हम लोग जब वो देखेंगे ना तो विल अंडरस्टैंड कि डायनामिक डेटा फ्रेम और नॉर्मल डेटा फ्रेम में कुछ डिफरेंस है क्या, एंड हाउ डू वी कन्वर्ट दिस ग्लू कॉन्टेक्स्ट और डायनामिक डेटा फ्रेम इनटू आवर स्पार्क डेटा फ्रेम इन ऑर्डर टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लो बस स्क्रिप्ट में। ये देखो, ये फंक्शन लिखा है इसने स्पार्क सीक्वल क्वेरी का, ठीक है। स्टेप व्यू, जो भी क्वेरी लिखी है यहाँ पे कॉल हो रही है, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड कर देता है ग्लू। ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट जनरेटर है ना, मॉड्यूलराइज करता है, लेकिन थोड़ा तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड ही होता है वो। वी वुडंट हैव क्रिएटेड दिस फंक्शन, राइट, डायरेक्ट सिक्वल क्वेरी हम लोग स्पार्क सिक्वल में एग्जीक्यूट कर देते, ठीक है। जस्ट में सेकेंड हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है, ग्लू कॉन्टेक्स्ट और स्पार्क सेशन बाद में। ये देखो, ये यहाँ पे देखो, क्रिएट डायनामिक डेटा फ्रेम फ्रॉम कैटेलॉग, हम लोग जो टेबल रेफर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये कुछ कुछ चीजें है, बस जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कोड में कहाँ से, मतलब हम लोग जो विजुअल से इनपुट ले रहे हैं तो कोड में कहाँ पे है वो चीजें, ठीक है। तो ये जो फ्रॉम कैटेलॉग है, यू आर प्रोवाइडिंग इनपुट फ्रॉम AWS ग्लू कैटेलॉग, राइट। तो ये क्या कर रहा है, AWS ग्लू कैटेलॉग से पहले तो वहां से ये स्कीमा ले रहा है, मतलब ये डेटाबेस से, ये टेबल से स्कीमा ले रहा है, ठीक है। और उससे फिर आपकी सॉर्ट ऑफ डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो डेटा तो फेच वो S3 से ही करेगा, और सेम सिमिलर विथ सेकेंड वन। इसके बाद देखो यहाँ पे SQL क्वेरी है, एंड इट इज कॉलिंग अ SQL क्वेरी हियर, इट इज कॉलिंग अ SQL क्वेरी, स्पार्क SQL क्वेरी हियर, एंड पासिंग SQL क्वेरी एज अ पैरामीटर। मतलब थोड़ा तो कॉम्प्लिकेट कर देता है चीजों को, ये मॉड्यूलाइज करता है लेकिन कॉम्प्लिकेट भी करता है। एंड वॉट इट इज डूइंग इज इन लास्ट स्टेप इट इज राइटिंग दिस डायनामिक डेटा फ्रेम इनटू योर टारगेट पाथ। ये स्ट्रक्चर समझ में आपको एटलीस्ट क्या किया है इसने। हम लोग जब ट्रांसफॉर्म्स लिखते हैं ना, वी डोंट प्ले अराउंड विद डायनामिक डेटा फ्रेम बिकॉज वी डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायनामिक डेटा फ्रेम एज सच, एंड वी डोंट नीड टू, ठीक है, क्योंकि ना हमने स्पार्क पढ़ा है, वी वुड लाइक टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्म्स इन स्पार्क इन नॉर्मल डेटा फ्रेम। तो वॉट वी डू इज ये डायनामिक डेटा फ्रेम को हम लोग स्पार्क डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। बाद में क्या करते हैं, स्पार्क डेटा फ्रेम में सारे ऑपरेशन करते हैं, एंड यू कैन राइट अ स्पार्क डेटा फ्रेम डायरेक्टली इनटू S3 आल्सो, यू डोंट नीड टू रीकन्वर्ट इट इनटू डायनामिक डेटा फ्रेम, ठीक है। तो अगर डायनामिक डेटा फ्रेम, तो एक यहाँ पे कैच है, मैं बाद में बताऊंगा, मुझे याद दिलाना, ठीक है। अगर आप कोई भी स्पार्क डेटा फ्रेम डायरेक्टली S3 में लिखते हो ना, तो एक कोई फंक्शनैलिटी है ग्लू की That you cannot avail, वो है job bookmarks, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने मतलब मुझे किसी ने बताई थी, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, मतलब अगर आपको job bookmarks
अवेल करना है उसका बेनिफिट जॉब बुक मार्क्स का, यू नीड टू रिकन्वर्ट इट इनटू डायनामिक डेटा। अब तक ये जो चीजें मैंने बोली स्क्रिप्ट रिलेटेड, आई नो इट इज हैवी एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन कितने लोगों को समझ में आए, हैंड रेस करो, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। मतलब हैंड रेस करो जेन्यूनली अगर समझ में आ रही, अगर नहीं आ रही होंगी तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, इतने ही है, 36, 37। ओके ठीक है, बाकी लोग जिनको नहीं समझ में आ रही है ना चीजें, आई कैन एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, नॉट एन इश्यू। अंकुश क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आया बताओ। सॉरी लाइब्रेरी इंक्लूड क्या क्या अंकुश का आवाज आ रहा है कि किसी को, बाकी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है बोल रहे सर। कंफ्यूजन हो रहा है। ओके ओके, क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताओ, मैं समझा के देता हूँ, कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, तो क्या कंफ्यूजन हो रहा है अंकुश बताओ। सेम कंफ्यूजन बाकी लोगों को भी हो सकता है जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, तो वी कैन बस सी क्या क्या कंफ्यूजन हो। बोलो बोलो। यार मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही। एक्चुअली थोड़ा यार नेटवर्क इश्यू है। हेलो। ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है, तो आपको क्या कंफ्यूजन है किसी को, और बाकी लोग बताओ। चलो अंकुश का नेटवर्क इशू है, अंकुश जस्ट गो थ्रू रिकॉर्डिंग वंस इफ यू नीड टू। ठीक है, अगर इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन जस्ट टेल मी, आई कैन डू दैट। बाकी लोगों का क्या इशू है, क्या नहीं समझ में आया, आई कैन एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, नॉट एन इशू। लेकिन अगर आपने अटेंशन पे किया है तो ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। सर वो जो हाँ जॉब हाँ बुक मार्क वाली जो चीज थी वो नहीं समझी थी। ओके ठीक है, चलो मैंने क्या बोला बस कि देख मैं सारी चीजें समझ में समझा देता हूँ। ब्लॉक में देखते ये तो इम्पोर्ट से, यू शुड नॉट केयर अबाउट दिस पार्ट एट दिस मोमेंट। ठीक है, व्हाई आई हैवंट एक्सप्लेन्ड यू दिस थिंग्स राइट। अभी मैंने मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ कोड बताना है आपको कि आपके विजुअल से कैसे कोड क्रिएट हो रहा है, ऑटोमेटिक ग्लू ETL इंजन कैसे कोड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हम लोग नॉट नेसेसरली हम लोग ऐसे टाइप के लिखते हैं, नहीं लिखते हम लोग, हमारा स्टाइल थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक स्पार्क सिक्वल क्वेरी, स्पार्क डॉट सिक्वल के लिए एक फंक्शन बना दिया, वेर इट इज टेकिंग ग्लू कॉन्टेक्स्ट क्वेरी मैपिंग एंड ट्रांसमिट इनपुट फॉर डायनामिक डेटा फ्रेम टू प्रोसेस। ठीक है, वो छोड़ दो, हमें ये भी समझने की अपनी जरूरत। इसके बाद क्या है कि हम लोग जॉब आर्ग्यूमेंट्स रीड कर रहे हैं, दैट शुड नॉट कंसर्न यू, दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट वेयर यू आर रीडिंग द डेटा फ्रॉम यूर डेटा कैटेलॉग, दैट दिस यू शुड अंडरस्टैंड। अगर किसी चीज का स्कीमा आपको ग्लू के डेटा कैटेलॉग से आपके स्क्रिप्ट एडिटर में फेच करना है, तो देर इज अ फंक्शन फ्रॉम अंडरस्कोर कैटेलॉग विच यू विल यूज फॉर रेफरिंग टू स्कीमा। जब हम लोग ना अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखेंगे ना और उसको क्रॉल करके AWS डेटा कैटलॉग में उसका मेटा डेटा रखेंगे, तब हम लोगों को जब स्कीमा इंपोज करने के टाइम पे ना ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, तो ये फ्रॉम अंडरस्कोर कैटलॉग इज फॉर रेफरिंग द स्कीमा ऑफ अ टेबल फ्रॉम AWS डेटा कैटलॉग, ग्लू डेटा कैटलॉग। ठीक है, ये चीज याद रख लो, क्योंकि हमने दो सोर्सेस थे हमारे
सेकेंड भी डेटा कैटलॉग से ही सोचता, दैट दैट इज ऑल्सो देयर. थर्ड इज द स्क्रिप्ट सिक्वल क्वेरी. सिक्वल क्वेरी तो ये तो हमने ही लिख के दी थी इसको, तो इट इज टेकिंग एज अ वेरिएबल. ठीक है, उस वेरिएबल को वो बस वो फंक्शन में कॉल करके एज अ पैरामीटर पास कर. स्पार्क सिक्वल क्वेरी फंक्शन यहाँ पे इसने डिफाइन किया है, जहाँ पे वो स्पार्क डॉट सिक्वल कर रहा है और वो जो रिजल्ट है उसको सिर्फ रिटर्न कर रहा है. डायनामिक डायनामिक फ्रेम डॉट फ्रॉम डीएफ रिजल्ट, रिजल्ट सिर्फ ये कर रहा है, रिटर्न कर रहा है. ठीक है, और कहाँ पे कॉल कर रहा है वो देखो. हाँ, और ये वेरिएबल में उसका रिजल्ट स्टोर हो रहा है, रिटर्न कर रहा है, मतलब यहाँ पे स्टोर होगा. वॉट इट इज डूइंग इज यहाँ पे क्या कर रहा है, वो राइट कर रहा है डायनामिक डेटा फ्रेम को. ठीक है, फ्रॉम ऑप्शन ये जो रिजल्ट है जो हमने स्पार्क सिक्वल क्वेरी फंक्शन से रिटर्न वो के कलेक्ट किया है, तो इट इज राइटिंग इट इन योर टारगेट लोकेशन. समझ में आई है ये चीज? समझ में आई अभी सबको? अभी हैंड रेस करो जिन लोग को समझ में आई है. इससे सिंपल तो मुझे मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देना आएगा टू बी ऑनेस्ट, इससे क्या ही सिंपल बताओ मैं. और हाँ, तो हाँ वो ग्लू मैंने ना, हाँ वो चीज मिस हो गई थी, जॉब बुक मार्क की. ठीक है, तो जॉब बुक मार्क के केस में ना क्या होता है, ग्लू का फीचर है वो, राइट? तो ग्लू अपनी फंक्शनैलिटी ग्लू कॉन्टेक्स्ट से प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज को ग्लू की सर्विस को अवेल करना है विच रिक्वायर्स इट टू हैव दैट क्या बोल सकते हो रीड कैपेबिलिटी, वो डायनामिक फ्रेम को ही रीड कर सकता है ग्लू, राइट? तो जॉब बुक मार्क में अगर किसी फाइल को प्रोसेस करके आप राइट स्पार्क डेटा फ्रेम से करते हो ना, तो जॉब बुक मार्क वो फाइल को प्रोसेस फाइल एज ए ट्रीट नहीं करता है. तो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डायनामिक फ्रेम एंड राइट इट इनटू S3, सो दैट जब डायनामिक फ्रेम पे राइट फंक्शन होगा ना, योर जॉब बुक मार्क के जो इंटरनल ट्रिगर्स है ग्लू में वो उसको फेच करते हैं एज अ प्रोसेस फाइल. ये समझ में आई चीज अभी अंकुश? यस सर. समझ में आई ना? यस सर. ठीक है, चलो तो ये देखेंगे हम लोग आगे. जस्ट मुझे याद आई ये चीज, मैंने बता दी. ठीक है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो पॉइंट तो मैंने अभी बता दिया. ठीक है, तो यस, सो दिस इज अबाउट द स्क्रिप्ट. हम लोग खुद की स्क्रिप्ट लिखेंगे. ठीक है, तब तब और हमें क्लैरिटी आएगी. यार हम लोग तो इसी में फंस गए. ठीक है, पहला ही डेमोन्स्ट्रेशन. चलो वो बाकी दूसरा वाला कल लेना पड़ेगा फिर. अभी ये लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग. ट्रैफिक ट्रांसफॉर्म, ट्रैफिक ट्रांसफॉर्म आई एम रोल यस नंबर ऑफ वर्कर्स कीजिए डिसेबल्ड है हमारा बुक मार्क. नंबर ऑफ रिट्रेस सब डिफॉल्ट रखते हैं. चलो कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा हमें. करना है रन इसको. इट्स रनिंग. एक बात बताओ मुझे, आप एक ग्लू जॉब रन करने के बाद कहाँ कहाँ से देख सकते हो? व्हाट आर द ऑप्शंस where you can watch the progress of your glue job? Can anyone tell me? Bolo. Databases, target sources, Athena, S3. क्या 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 कैसे देख सकते हो Athena S3 में कैसे देख सकते हो? मैंने बोला मैंने glue job initiate किया है अभी, उसका मुझे प्रोग्रेस देखना है. वेरी जॉब का या आउटपुट का? जॉब 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 इट इज रन इन रनिंग स्टेट. आई वांट टू सी कि वो रनिंग है, स्टार्ट हुआ है, क्या हो रहा है. जॉब रन मॉनिटरिंग. यस, जॉब रन मॉनिटरिंग में अभी हम लोग है. और इज देयर एनी अदर ऑप्शंस सर? क्लाउड वॉच में देख सकते
में लॉग्स देख सकते हैं। राइट राइट ठीक है, तो जॉब जॉब के लॉग्स देख सकते हैं, ठीक है हाँ, वहां पे भी देख सकते हो। और एक सिंपल ऑप्शन है यार, जब ब्लू जॉब में जाओगे ना वहां पे रन्स ऑप्शन है, वो भी एक ओके ठीक है। लेट्स सी हियर, सिलेक्ट द ब्लू जॉब, क्या नाम था हमारे इसका, और वी हैव टू रिफ्रेश दिस थिंग। आप इसमें रन्स में जाओगे ना, यहाँ पे भी ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पे भी आप उसको स्टॉप वगैरह कर सकते हो। इज देयर एनी अदर ऑप्शन दैट आई डोंट नो, है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? नॉट जस्ट ऑन कंसोल, इज देयर एनी अदर ऑप्शन जहाँ पे क्लाउड वॉच में तो देख सकते हो, और नहीं नथिंग, यही है ठीक है। आप पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा इस बारे में सोचा करो कि हम लोग आउटपुट कहाँ दे सकते हैं, लॉग्स कहाँ पे देख सकते हैं, ऐसी चीजें देखा करो ठीक है। आई थिंक इट गॉट सक्सीडेड, लेट्स सी इट इन आवर हिस्ट्री बकेट, ये आउटपुट आया है नहीं, या इट हैज रिटर्न सर्टेन फाइल्स, मल्टीपल फाइल्स इट हैज, नहीं सारी फाइल, ओके तो मतलब आया है हमारा आउटपुट तो आया है। वी शुड हैव कंट्रोल्ड सर्टेन नंबर ऑफ फाइल्स आल्सो ना। स्पार्क में एक ऑप्शन है क्या, आपको कितनी फाइल में रिजल्ट राइट करना है, ऐसा कोई ऑप्शन पता है आपको स्पार्क में? गाइस आपको स्पार्क पढ़ने की जरूरत है ना थोड़ा। पार्टीशन हाँ बताओ बताओ, ये ढूंढो चीज आप राइट करने के टाइम पे, कैन यू स्पेसिफाई हाउ मेनी फाइल्स द रिजल्ट शुड बी रिटर्न इन, कैन यू कंट्रोल दैट, यू शुड एक्सप्लोर इट ठीक है। कल मुझे बताना, देर इज ऑप्शन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। और ये ना नुआंसेस आपको पता होने चाहिए थोड़े बहुत ठीक है। Nobody will specifically ask you, but एक कोई सिनारियो आ गया तो इफ यू नो द पॉसिबिलिटी कि ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, देन यू विल बी एबल टू आंसर इट इफेक्टिवली ठीक है। तो ये चीज एक्सप्लोर करो, मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर, ठीक है, तो ये चीज एक्सप्लोर करो कि कैन यू कंट्रोल नंबर ऑफ फाइल्स दैट आर रिटर्न एज अ आउटपुट इन पाइस्पार्क ठीक है, ये देख लो बस। चलो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं फिर आज, क्योंकि नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, मुझे लॉग इन भी करना है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, आई शो यू जस्ट इट्स मेरे पास एक और कस्टमर डेटा सेट है ठीक है। तो कस्टमर डेटा सेट में सीएसई फाइल है, लेकिन ये पार्टीशन है, तो डेट वाइज पार्टीशन ही है। So what we'll do is we'll read this CSV file with these partitions. We'll be able to see कि वो partition as a column add हो रहा है या नहीं when you are crawling this data, ठीक है। और हम लोग कल custom classifier apply करेंगे इस पे, ठीक है। I know हम लोग ये demonstration मतलब आपको लग रहा है क्या बहुत repetitive हो रही है चीजें? If you want me to fast मतलब थोड़ा fast track, I can do that. No sir. No sir, it's fine. ठीक है ना, हाँ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये फिर से क्यों बताया जा रहा है ठीक है। बिकॉज यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है कि अरे ये तो हमें आता है, बहुत ईजी है, तो ऐसा कुछ होगा ना बता देना ठीक है। तो हम लोग थोड़ा शॉर्टकट करेंगे फिर, क्योंकि कल ही हमने यही सेम चीज की थी, आज फिर से रिपीट की, इसीलिए क्योंकि ये चीज थोड़ी डाइजेस्ट होने में डिफिकल्ट है, कोई भी ग्लू जॉब ये वगैरह चीजें डाइजेस्ट होने में डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये आपका क्रक्स है, आपकी जो प्रोफाइल बनेगी इसका क्रक्स है ग्लू EMR ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से आना जरूरी है, तो अभी के टाइम पे ना ज्यादा एफर्ट्स डालो ठीक है। चलो हम लोग कल लेते हैं फिर वो कस्टमर डेटाबेस, और उसमें कस्टम क्लासीफायर और पार्टीशंस रीड करके देखते हैं, विल सी
whether we can read the partitions or not, ठीक है, और कुछ additional चीजें लेते हैं कल, ठीक है, I don't think कल हम लोग Spark SQL query editor से glue job ले पाएंगे, कि वो थोड़ा time consuming काम है, let's see, हम लोग कल trigger वगैरह देख लेते हैं, there are multiple options now, we'll explore those options like triggers and all, data connection triggers, ठीक है, तो आज ये चीजें complete कर लो, चले, ठीक है, कोई questions, I'll stop sharing, I'll stop recording also, just